श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल शिव भक्ति मार्ग में। सावन की शिवरात्रि का बहुत ज्यादा विशेष महत्व है और पहले की वीडियो में भी आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो मैंने सामग्री की वीडियो डाली है। परंतु आप सब कन्फ्यूज मत होइएगा क्योंकि यूट्यूब पे अभी तक शिवलिंग के लिए मिट्टी कैसे तैयार करना है उसका वीडियो मुझे भी कहीं पर भी नहीं दिखाता। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करा जाए कि जब आप शिवलिंग का निर्माण करेंगे तब उसका जब आप अभिषेक करते हैं तो आपकी मिट्टी खराब ना हो, उसको कैसे तैयार करना है, तो उसी को लेकर आज मैं वीडियो बना रही हूँ आपके लिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो देखिए मिट्टी आपको इस तरह की लेनी है। ठीक है, इसमें आपके बहुत सारे प्रश्नों के भी उत्तर मिलेंगे कि अगर दो लोग पूजा कर रहे हैं तब क्या करना है, कोई चीज नहीं मिल रही है, कोई मिट्टी नहीं मिल रही है तब क्या करना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर मिट्टी छनी हुई लेनी है आपको। अगर छनी हुई मिट्टी नहीं होगी, कंकड़ पत्थर होंगे, तो आपके शिवलिंग टूटने का डर रहता है। ठीक है, सबसे पहले देखिए मेरी मिट्टी छनी हुई है एकदम, एक भी इसमें आपको कंकड़ नहीं मिलेगा। इसके अंदर हम सबसे पहले गंगा जल मैंने छान कर मिला के रख दिया था, पर आपके सामने मैं यहाँ पे और मिलाऊंगी क्योंकि ये पूजा के लिए अभी हम तैयार कर रहे हैं। ठीक है, मिट्टी किस तरह से तैयार करनी है ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि मेन मिट्टी का खेल होता है यहाँ पर। मिट्टी जितनी अच्छी तरह आपकी गुथी होगी ना, आपके शिवलिंग उतनी ही देर तक टिके रहेंगे। मतलब अगर मैं अभी अपनी बात करूँ ना, तो मैं रोजाना मतलब पूजन करती हूँ तो मेरे शिवलिंग पानी में रखने के बाद भी मिट्टी घुलती नहीं है। इसमें मैं घी मिला रही हूँ, यहाँ पर गाय का देसी घी है ये। ठीक है, यहाँ मैंने घी मिला लिया है। अब सवाल आ रहे थे दीदी हमें मिट्टी कहाँ से लेनी है, तो देखिए ये तो मिट्टी ना मैंने मतलब खेत की मिट्टी है हमारे यहाँ, वहाँ पर मतलब खेत की शुद्ध काली मिट्टी होती है, मतलब खेती होती है, तो वहाँ जहाँ पे पैर वगैरह किसी के नहीं पड़ते वहाँ से आपको मिट्टी लेना है। और इससे पहले मैंने एक बार मिट्टी नर्मदा जी के वहाँ से मंगवाई थी जहाँ पे ओंकारेश्वर है, तो वो मिट्टी मेरी खत्म हो गई थी, तो इस बार मैंने खेत की मिट्टी ली थी। अगर आपको खेत की मिट्टी नहीं मिलती है, नर्मदा जी या किसी नदी की मिट्टी नहीं मिलती है, तो आप बेल वृक्ष की मिट्टी ले सकते हो। बेल वृक्ष की भी नहीं मतलब मिट्टी मिलती ना आपको, तो किसी आप गमले की मिट्टी ले सकते हो, परंतु मिट्टी आपको साफ सुथरी लेनी है, किसी के पैर ना पड़े, उस मिट्टी को अच्छे से छान लीजिएगा। तुलसी की मिट्टी देखिए मत लीजिएगा। अब बारी आती है, आपके पास काली मिट्टी है परंतु आपको बनाने हैं सफेद शिवलिंग, जैसे कि सबको अलग अलग शिवलिंग बताया गया है, और नहीं जानते हैं तो आप काली मिट्टी की शिवलिंग बना लीजिएगा। अगर सफेद शिवलिंग बनाने हैं तो आप अबीर मिला सकते हैं, सफेद चंदन मिला सकते हैं, उससे सफेद शिवलिंग बना सकते हैं। और लाल मिट्टी के शिवलिंग बनाने और आपके पास कुछ नहीं है, मिट्टी के अंदर आप अबीर मिला सकते हैं या लाल चंदन आपके पास है तो वो मिला के लाल मिट्टी के शिवलिंग बना सकते हैं। और जिन लोगों को सफेद शिवलिंग बनाने हैं वो मुल्तानी मिट्टी के शिवलिंग भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था शिवलिंग को लेकर प्रश्न। अब इसे गूंथना कैसे वो ध्यान रखिएगा। ये मेरा अभिमंत्रित जल है, आज सावन सोमवार की मैंने पूजा करी थी, सॉरी 16 सोमवार की पूजा करी थी, तो ये अभिमंत्रित जल है जो पूजा में मैंने रखा था, तो इसी से ही मैं गूंथूंगी। और जब भी आप शिवलिंग के लिए मिट्टी बनाएंगे ना, तब आप ओम नमः शिवाय का मन में जाप करते रहिएगा। देखिए मैं तो यहाँ पर आपसे बात करते करते बना रही हूँ, तो आपको इस तरह से मिट्टी को गूंथना है। एक साथ ज्यादा पानी मत डालिएगा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा पानी डालिएगा। अब शिवलिंग का निर्माण जब आप करेंगे ना, तो ये जो आपका अंगूठा है, इस अंगूठे की हाइट से बड़ा शिवलिंग मत बनाइएगा, यानी कि जो शिवलिंग की पिंडी होती है ना वो आपके अंगूठे की हाइट से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और एक चीज का ध्यान रखिएगा, आप शिवलिंग जब भी बनाएंगे मिट्टी को आधा एक घंटा पहले ही गूंथ कर रखिएगा, तब आपके शिवलिंग देखिएगा जितनी चिकनी मिट्टी होगी ना उतने आपके शिवलिंग बहुत अच्छे बनेंगे। मतलब कहीं पर भी ये डाउट नहीं रहेगा आपको कि पूजा करते समय मेरे शिवलिंग खंडित ना हो जाए या कुछ हो ना जाए। जब मुझे नहीं बनाना आता था ना तब मुझे यही डर लगता था, परंतु आज शिवलिंग रोजाना पूजा करते करते मुझे प्रैक्टिस हो गई और पता चल गया है कि मिट्टी कैसी होनी चाहिए। बिल्कुल जैसे आप रोटी के लिए आटा लगाते हैं ना, उस टाइप की आपको मिट्टी गूंथनी है, क्योंकि अभी तक किसी भी वीडियो में मिट्टी गूंथने का तरीका नहीं बतलाया गया था, तो इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूं। अब प्रश्न आ रहा था क्या दीदी इसके अंदर हम काली मिर्ची मिला सकते हैं, तो जी हाँ, आप काली मिर्ची का पाउडर इसके अंदर मिला सकते हो, आप गंगा जल मिला सकते हो, पूजन की जो भी आप सामग्री पंचामृत चाहे आप वो मिला सकते हो। ठीक है, इस तरह से आपको मिट्टी गूंथ लेनी है और हाइट मैंने बता दी है कितना बड़ा आपको करना है। अब प्रश्न आ रहा था दीदी हमारे घर में अगर दो लोग पूजन कर रहे हैं तब हम क्या करें। देखिए भले आपके घर में दो लोग पूजन कर रहे हैं या दस लोग पूजन कर रहे हैं, शिवलिंग अगर आप देखिए चाहें तो एक ही शिवलिंग पे सब पूजा कर सकते हैं। और यदि मिट्टी की कमी है, ठीक है, देखिए मेरी मिट्टी कितनी अच्छी तरीके से गूंथ गई है। अब इसे हाथ की सहायता से थोड़ा सा मैं सॉफ्ट और करूंगी, ठीक है, ये इतनी अच्छी गुथेगी कि आपके हाथ में बिल्कुल भी चिपकेगी नहीं। देखिए बिल्कुल नहीं चिपक रही है ये, ऐसी आपकी मिट्टी होनी चाहिए एकदम सॉफ्ट। अब इसमें थोड़ा सा पानी और लगेगा, पहले हम देख लेते हैं, मैं बताऊंगी आपको कि आपकी मिट्टी अच्छे से गुथी है कि नहीं गुथी है। ठीक है, ये आपने मिट्टी ली, ये देखिए इस तरह से आपकी मिट्टी हो जाएगी। जब आप इसको ऐसे करेंगे ना, ज्यादा दरारें नहीं पड़नी चाहिए, मतलब अभी हमारी मिट्टी अच्छी नहीं है, थोड़ा सा पानी हम और डालेंगे। तो आपको बनाने एक ही शिवलिंग है, अगर आपके पास ज्यादा मिट्टी है तो अलग अलग इंसान अलग अलग शिवलिंग बना सकता है, परंतु यदि एक शिवलिंग पर पूजा कर रहे हैं, ठीक है, तो जो सामग्री बताई गई है वो प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने हिसाब से लीजिएगा। मतलब कि जैसे 21 दाने जो मैंने वीडियो डाला है अभी, 21 दाने आपको गेहूं के लेने हैं, 108 चावल लेने हैं, तो हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से लेकर बैठेगा।
ठीक है, मतलब जो सामग्री है वो एक व्यक्ति के हिसाब से है। अब मेरे पास कुछ प्रश्न ये भी आ रहे थे, दीदी फूल हमें नहीं मिल रहा है, तो देखिए फूल का थोड़ा सा व्यवस्था करके देखिएगा आप, नहीं है तो गुलाब का एक फूल मिल जाता है, उसकी 7 पंखुड़ियां भी आप चढ़ा सकते हैं। इसके बाद में और भी प्रश्न आ रहे थे, गेहूं नहीं मिल पा रहा है, तो यदि गेहूं नहीं मिल रहा है तो गेहूं की जगह पर आप चावल भी अलग से ले सकते हो, जैसे 108 दाने तो आपको चढ़ाने ही है, परंतु गेहूं की जगह पर आप चावल भी चढ़ा सकते हो। और एक चीज और था, जो सामग्री आपको नहीं मिलती है, क्योंकि अक्सर जब भी मैं पंडित जी को बुलवाकर पूजन करवाती हूँ, मान लीजिए कोई सामग्री आपके पास नहीं है, शमी पत्र नहीं है, या आपके पास नैवेद्य रखने के लिए नहीं है, या जनेऊ आपको नहीं मिल रहा है, तो जिस चीज की कमी होती है ना उसकी जगह पर चावल अर्पित कर दिए जाते हैं। तो ठीक है, अक्षत बहुत महत्वपूर्ण होता है पूजन में, तो आप चावल अर्पित कर सकते हैं। इसके पश्चात मिठाई को लेकर बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे कि दीदी अगर मिठाई नहीं मिल पा रही, फल नहीं मिल पा रहे, तब क्या करें। तो देखिए आप पंडित जी ने जैसे 2 फल बोले हैं, ठीक है, तो 2 फल की जगह पर आप 1 फल की ज्यादा क्वांटिटी भी रख सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए मिट्टी हमारी तैयार हो गई है, मैं बीच बीच में आपके प्रश्नों के भी उत्तर दे रही हूँ। देखिए ये अब हमारी मिट्टी सॉफ्ट हो चुकी है, अब इसे बनाने का तरीका मैं बता देती हूँ। अब ये देखिए हमारी मिट्टी इतनी सॉफ्ट हो चुकी है, मतलब एकदम क्ले जैसी मिट्टी हो गई है। इस मिट्टी को इस तरह का बनाने के लिए ना आप 1 घंटा पहले गूंथ के रख दीजिएगा, इतने अच्छे शिवलिंग बनेंगे कि आप खुद बोलोगे, क्योंकि जब मुझे नहीं आते थे ना तो मुझे यही टेंशन होती थी मैं कैसे शिवलिंग बनाऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले एक प्लेट में बेलपत्री का आसन दीजिएगा, डंठल को तोड़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर मुझे अभी ये वाली बेलपत्री मिली तो मैं आपको अभी इसी पे दिखा रही हूँ। इस तरह से मिट्टी ले लेनी है। हाँ, मैं बात कर रही थी फल की और मिठाई की। मिठाई की जगह पे देखिए आपको समय मिलता है, मार्केट से आप ला पा रहे हो तो कोई भी मिठाई ले आइएगा, और नहीं मिल पाती है तो परेशान मत होइएगा, आप रख लीजिएगा गुड़ रख लीजिएगा, शक्कर मिश्री जो चाहे वो नैवेद्य में आप रख सकते हो। और फल ज्यादा नहीं मिल पाते तो एक ही तरह के भले ही फल रख लीजिएगा, पर 2-3 क्वांटिटी में ज्यादा रख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए ये हमने पहले इस तरह से करा, आपको पहले इस तरह से शेप देना है शिवलिंग को। ठीक है, अब आप यहाँ देखिएगा आपके शिवलिंग में बहुत ज्यादा दरारें नहीं आनी चाहिए, कम दरारें आएगी तो इसे हम पानी से ठीक कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपने शेप दे दिया। अभी मैं फटाफट से बहुत सरल तरीके से आपको दिखा रही हूँ, अभी ये पूरी आपको दरारें बिल्कुल हटी हुई नजर आएंगी। इस तरह से पानी का हाथ लगा के आपको इन दरारों को खत्म कर देना है, नहीं तो आपकी शिवलिंग टूटने का डर रहता है। ठीक है, इस तरह से हम पानी का हाथ लगाते जाएंगे और इन दरारों को भर देंगे। और अगर आपको लगता है तो जरा सा पानी का हाथ ज्यादा लगा के मिट्टी को वापस से गूंथ भी सकते हो। ठीक है, और ये मैं गारंटी ले रही हूँ आपके शिवलिंग है टस से मस नहीं होंगे, कहीं नहीं जाएंगे, बहुत अच्छे शिवलिंग बनेंगे अगर आपकी मिट्टी 1 घंटा पहले गूंथी हुई है। ठीक है, अभी मैं आपको बहुत फटाफट से बना के दिखा रही हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। गंगा जल मिला लीजिएगा, शिव जी का स्मरण करते हुए शिवलिंग को आपको तैयार करना है। और शायद मैंने आपको पहले भी बताया था, जब हम मिट्टी के शिवलिंग बनाते हैं तो जो हमारे हाथ की दुर्भाग्य रेखाएं होती है ना वो भी खत्म होती है। तो ये इस तरह से हमें शिवलिंग, हाँ अब मुझसे सब पूछ रहे थे दीदी जब हम शिवलिंग को बनाएंगे तब हमको कोई शाम को बनाना है। देखिए अगर आपको समय नहीं मिलता ना आप सुबह बना के रख सकते हो। तो देखिए यहाँ पर पहले पानी का थोड़ा सा हाथ लगा लीजिएगा ताकि आपका शिवलिंग चिपक जाए। ठीक है, 1 अंगूठे से ज्यादा बड़ा नहीं बनाना है। इस तरह से चिपक गया है, अब हम नाग देवता को विराजमान कर देंगे। बहुत फटाफट से देखिए बना के दिखा रही हूँ, जब समय लेकर बनाएंगे ना तो आप अच्छे से डिजाइन दीजिएगा, अच्छे से बनाइएगा। अभी तो मैं जल्दी जल्दी में बस आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि मुझे आज आपको मिट्टी दिखाना था कि मिट्टी किस तरह से तैयार करी जाती है। ठीक है, तो ये इस तरह से आप नाग देवता बना लेंगे, शिव जी के नाम का जाप करते जाइएगा और इस तरह से आपको अपना शिवलिंग तैयार कर लेना है। ठीक है, इस तरह से नाग देवता को यहाँ पे विराजमान कर देंगे हम। ठीक है, जहां पर भी आपको दरारें लगती है ना उसे पानी से भर लीजिएगा तो वो फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, ये इस तरह से हमने बना लिया है। हाँ, अब मैं बता रही थी आपको कि मेरे पास जो सबसे ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे वो यही आ रहे थे कि दीदी मतलब हमें जो शिवलिंग बनानी है वो क्या हम हैंड टू हैंड बनाएंगे। तो देखिए आप शिवलिंग सुबह में भी बना के रख सकते हैं, जहां पर भी आपको दरारें लगती है वहां पानी का हाथ लगा के आप बिल्कुल चिकना कर लीजिएगा। अगर इन शिवलिंग को जब मैं विसर्जन करती हूँ ना पानी में छोड़ती हूँ तो ये मेरे कम से कम 1-1.5 घंटे तक वैसे ही रहते हैं, और कई बार तक तो सुबह भी मिट्टी घुलती नहीं है। तो बस यहाँ पे हम छोटी सी आंखें बना देंगे नाग देवता की, थोड़ा सा हाथ की सहायता से अच्छे से रख के। तो आप सुबह भी बना के रख सकते हैं, परंतु मिट्टी को पहले ही गला दीजिएगा। तो देखिए ये हो गए हमारे शिवलिंग का निर्माण बहुत अच्छे तरीके से, आपको दिख रहा होगा। परंतु शिवलिंग को बनाते हैं जैसे ही तुरंत इसके ऊपर आप क्या डाल देंगे, अक्षत लगा के छोड़ दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जैसे ही अक्षत लगा देते हैं तो आपके जो शिवलिंग है उनका पूरा पुण्य फल आपको ही मिलता है, नहीं तो देवराज इंद्र को चला जाता है अगर आप शिवलिंग पर चावल नहीं लगाते हैं। तो यदि आप व्यस्त रहते हैं आप नहीं बना पाते हैं तो आप
सुबह बना के रख दीजिए, या पूजन करना है तो एक डेढ़ घंटा पहले आप आराम से बनाकर रख सकते हो। तो इस तरह से शिवलिंग आपको निर्माण कर लेना है। मिट्टी देखिए इतनी तरीके से सॉफ्ट भूलनी है, ठीक है। लाल करनी है तो आप लाल चंदन डाल लीजिए, अबीर डाल लीजिए, सिंदूर भूल से भी मत डालिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये सारी मिट्टी को तैयार कर लेना है। और आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मैंने वीडियो में दे दिया है। अभी भी कुछ डाउट लगता है, कुछ प्रश्न हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो शिव भक्ति मार्ग को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय माता रानी दोस्तों।